हेलो बच्चों, हमने 11th एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट तक पढ़ लिया था। अब आगे हम शुरू करेंगे रिलेशन। हमारा एक टॉपिक बचा था रिलेशन, संबंध। रिलेशन आज हम जानेंगे। ये आपके लिए एक नया टर्म हो सकता है, ये चैप्टर ही आपके लिए नया है तो हर एक टर्म आपके लिए नया होगा, लेकिन रिलेशन आप आम जिंदगी में बहुत यूज करते हैं। जैसे दो व्यक्तियों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होता है, जैसे आप दो लोग स्कूल आए तो मैंने पूछा ये आपकी क्या लगती है या ये आपके क्या लगते हैं, तो आप बताते हैं ये हमारे भैया हैं या पापा हैं। तो संबंध हमेशा दो लोग के बीच में होता है, ठीक। तो दो चीज आपको चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने देखा था कि एलिमेंट्स कैसे थे, ऑर्डर्ड पेयर थे। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मैंने बताया था आपको कौन किस क्रम में आ रहा है, ये उसमें निश्चित होता है, डिफाइंड होता है, ठीक है। तो फिर हम रिलेशन, तो रिलेशन भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही संबंधित होगा, इसीलिए पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है। तो रिलेशन दो अवयव, दो एलिमेंट्स आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं, किस कंडीशन से बंधे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर हमने इसीलिए पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिकल भाषा में इसे हम क्या कहेंगे। जैसे हमारे पास दो सेट था, ठीक, ये हमारे पास दो सेट है, हमने इसका क्या बनाया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना मैंने बता ही दिया था, ठीक है। कैसे होंगे इसमें एलिमेंट ए कॉमा बी सच दैट, किस प्रकार होंगे, पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से। अब हम इन ऑर्डर्ड पेयर को अगर लिखना चाहेंगे तो जिस प्रकार से ए क्रॉस बी लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, हम वन को लेंगे, बी से पेयरिंग करेंगे, वन कॉमा ए वन कॉमा बी, फिर इस टू को लेंगे, टू कॉमा ए टू कॉमा बी, फिर इस थ्री को लेंगे, थ्री कॉमा ए थ्री कॉमा बी। ये क्या हो गया आपके पास, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार हो गया दो सेट ए और बी के लिए, ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब ये दो एलिमेंट पेयर में हैं। अब हमने एक कंडीशन लगाई जिसे हम आर कहते हैं, और आपका मैथ्स में कहता है आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट ही होता है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि पहला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से, ठीक, जो पहला इसका एलिमेंट है सेकेंड एलिमेंट से किस प्रकार आपस में रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, संबंधित है, दैट इज कॉल्ड रिलेशन आर, ठीक। तो जैसे हम यहाँ पे भी कह सकते हैं कि बना सकते हैं हम, लेकिन इसमें अभी बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका भी क्वेश्चन लेके आपको समझाएंगे कि किस प्रकार ये डेफिनेशन कहती है कि संबंध क्या है। संबंध आपके बुक में भी लिखा है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, और किस प्रकार से कि दोनों एलिमेंट आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। और याद रखिएगा जो ये सेकेंड एलिमेंट होता है, सेकेंड एलिमेंट इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। पहले एलिमेंट क्या कहलाता है, फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहलाता है आपका ये सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेशन के बारे में, आपको और समझ में आएगा। चलते हैं हम एग्जांपल की ओर। आपको यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा है ए इज अ सेट 1 2 3 4 5 6, ये एलिमेंट है इसके आर, ये अब आपका आ गया रिलेशन। ये रिलेशन डिफाइन किया है एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यानी कि जो ये लिखा है ये इक्वेशन, ये आपको ये बता रही है कि दोनों एलिमेंट आपस में किस प्रकार जुड़े हुए हैं। दैट इज, अगर मान लीजिए इसको हमें एलिमेंट्स को निकालना होगा, तो कह रहा है कि एक्स, अगर एक्स है तो वाई क्या है उससे एक ज्यादा, ये क्वेश्चन यही तो कह रही है। वाई कैसे मिलेगा आपको, एक्स में एक जोड़ने पर, ठीक। फिर कह रहा है कि द्वारा ए से ए में, ए से ए में आप समझिए, जैसे हमारे पास एक से बी होता था तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते थे ए क्रॉस बी, लेकिन यहां पर ए ही बी है, ठीक, जो बी का मान है वो भी ए ही सेट बन गया है, तो हम क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए, ठीक, में एक संबंध परिभाषित कीजिए। हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है जो इस कंडीशन को
फुलफिल करता हो। ठीक, तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का ही करिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, तो यहाँ B तो आपका A ही बन चुका है, तो A क्रॉस A इसका सबसेट होता है। और एलिमेंट आप उसमें से निकालेंगे कैसे? सबसेट तो बनाना है आपको, आप दो एलिमेंट निकाल लीजिए, तीन एलिमेंट निकाल लीजिए, एक सबसेट तो बन जाएगा, लेकिन जो इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे एलिमेंट्स, उन्हीं एलिमेंट्स को हम आगे लेंगे और सबसेट बनाएंगे। समझते हैं? सबसे पहले निकालेंगे हम A क्रॉस A कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, तो कैसे निकलेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट? वन की पेयरिंग सबसे कराएंगे, आपको मिलेगा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6। ठीक, ऐसे आप 2 को लेंगे सबसे पेयरिंग करवाएंगे, ये हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो आपको मिलेगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 एंड 2.6। ऐसे 3 को लेंगे सबसे पेयरिंग करवाएंगे आप 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 एंड 3.6। तो ये आपको दिख रहा होगा हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख लिया। ठीक, सबसे सबकी पेयरिंग करवा दी। अब हमें निकालना है R। अब R जो होंगे जो जो एलिमेंट्स इसमें, ये आपका एक एलिमेंट है, ये दो एलिमेंट है, इसके अंदर भले ही दो एलिमेंट है लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर में एक ही एलिमेंट कहलाता है। जो जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा वो R। मैंने बताया था रिलेशन इज अ सबसेट, रिलेशन इज अ सबसेट। कहां से मिलता है वो सबसेट? कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमको मिलता है, लेकिन किस प्रकार मिलता है? अब यहां पर क्वेश्चन इस तरह से है कि जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, जैसे अब निकालते हैं हम R इज इक्वल टू, वो कंडीशन लिखी है आपके पास। अब देखिए कहता क्या है कि अगर x एक हो तो y कितना हो उससे एक ज्यादा। ठीक, तो ऐसा कंडीशन कौन फुलफिल कर रहा है आपका? 1.2। तो आप इसको R में लिख लेंगे 1.2। क्यों लिखा आपने 1.2? आप समझ रहे हैं यहां से y कितना हो पहले एलिमेंट से एक ज्यादा हो, तो आपको दिख रहा है 1.2। अब देखिए ऐसे ऐसा कोई नहीं है, अब इसके बाद में 2.1 भी नहीं है, 2.2 भी नहीं, 2.3 को देखिए। 2.3 क्या है? y जो है आपका x से एक ज्यादा है, तो आप ले लेंगे इसको 2.3। फिर देखें आगे कोई नहीं है, फिर कोई नहीं है, 3.4 पे देखिए y जो है 3 से एक ज्यादा है, तो आप लेंगे 3.4। ठीक, फिर ऐसे आगे आएंगे आप 4.5, तो आपका हो गया 4.5। ठीक, फिर क्या होगा आपका 5.6। यही एलिमेंट हमने क्यों लिए? क्योंकि रिलेशन पे कंडीशन लगी थी कि दोनों एलिमेंट आपस में किस प्रकार रिलेट हो, किस प्रकार जुड़े हों, जो पहला एलिमेंट हो दूसरा एलिमेंट उससे एक ज्यादा हो, यही आपकी कंडीशन लगी हुई है। हमने भी उन्हीं एलिमेंट को यहाँ से पिक कर लिया, ले लिया और एक सबसेट तैयार कर लिया। सबसेट जानते थे आप, बड़े सेट से कुछ एलिमेंट निकाल के यदि हम एक सेट तैयार कर देते हैं दैट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, उस सेट का एक सबसेट कहलाता है। तो यानी कि हमने देखिए ये एलिमेंट निकाले, क्यों निकाले मैं बार बार बता रही हूँ, रिलेशन को जो जो सेटिस्फाई करेंगे, जो जो उस कंडीशन को फुलफिल करेंगे, दोज एलिमेंट्स विल बी पिक्ड, वो एलिमेंट ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक सबसेट तैयार हो गया, तो यही आपका रिलेशन है। इसी क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि संबंध का तीर आरेख एरो डायग्राम बनाइए, और कह रहा है कि प्रांत सहप्रांत और परिसर, प्रांत डोमेन, सहप्रांत डोमेन और परिसर मींस रेंज, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका वो बनाते हैं आपके लिए एरो डायग्राम। एरो डायग्राम आपके लिए पहली बार होगा, समझिए इसको। मैंने रिलेशन के एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख लिया है, यही एलिमेंट थे आपके 1.2, 2.3, 3.4, 4.5 एंड 5.6। कंडीशन को जो फुलफिल कर रहे थे कि सेकेंड एलिमेंट पहले एलिमेंट से एक ज्यादा हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तीर आरेख दैट इज एरो डायग्राम से। हमने ए और ये सेट ए बनाया, क्यों? क्योंकि आपका रिलेशन डिफाइंड ही है ए से ए में। यदि
यहाँ कोई और सेट की बात करता तो हम उस सेट को बनाते। ए से ए में ही डिफाइंड है आपका रिलेशन, और रिलेशन के एलिमेंट्स आपको ये दिख रहे हैं। मैंने बताया आपको जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो पहले ही क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है, प्रतिबिंब। तो देखिए वन कहाँ जा रहा है, टू पे, तो वन कनेक्ट हो जाएगा किससे, टू से। टू जा रहा है थ्री पे, टू थ्री पे, थ्री फोर पे, फोर की इमेज है फाइव और फाइव की इमेज है सिक्स। तो ये आपका बन गया क्या, एरो डायग्राम, तीर आरेख। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। डोमेन आपके इधर से मिलेंगे, डोमेन वो एलिमेंट होते हैं जिनकी जिनकी आपको इमेजेस मिली हैं। मान लीजिए आपने डायग्राम नहीं बनाया तो आप इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपके ये पहले एलिमेंट होते हैं, पहले एलिमेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड डोमेन। तो यानी कि आपके डोमेन में एलिमेंट हो जाएंगे कौन कौन, ठीक, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। ठीक, जो आपके ये पहले एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस ए की बात नहीं कर रहे हैं हम, आर में रिलेशन में जो सबसेट आपको जो तैयार किया आपने उसमें जो एलिमेंट्स मिले हैं उनके जो पहले एलिमेंट होंगे, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हैं, जो पहले एलिमेंट वहां कनेक्ट हो पाए हैं कि और उन एलिमेंट का जो सेट तैयार होगा दैट इज डोमेन। फिर हम बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन आपका सेकेंड सेट वो पूरा ही होता है, ठीक, यानी कि वन टू सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन का एक सबसेट ही होता है रेंज, सबसेट। क्यों, क्योंकि हो सकता है रिलेशन करते वक्त कुछ एलिमेंट यहाँ के क्या हो जाए, छूट जाए, ठीक। तो यानी कि आपका जो रेंज होगा दैट इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। यानी कि यहाँ पे आप देखिए वन आपका रह गया है तो आपकी रेंज होगी टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। देखिए एक सबसेट है इसका, इसमें केवल वन को निकाल के बाकी एलिमेंट हमने लिख दिए हैं। तो यानी कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक। यानी कि जो जो एलिमेंट इधर से आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मान लीजिए आपने ये डायग्राम नहीं बनाया है, इन सेकेंड एलिमेंट को देखिए, सेकेंड एलिमेंट आप कलेक्ट कर लेंगे टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो सेकेंड एलिमेंट मैंने बताया था इमेज बनते हैं पहले एलिमेंट की, तो उन्हीं को हम रेंज भी कहते हैं। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जो कि बेस्ड था रिलेशन पे, ठीक। तो आप इसको समझने का पूरी कोशिश करिएगा, इस पर बेस्ड आपके और भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, एक्सरसाइज 2.2 दे रखी है, तो आप इस पर सवाल लगाइएगा और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आएगा। रिलेशन उतना कठिन नहीं है, पहली बार है आपके लिए, लेकिन आप करने का दो चार क्वेश्चन इस पर लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे इजी लगने लगेगा। थैंक यू क्लास।